नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है हालषष्ठी व्रत कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का आत्मा गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हालषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हालषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ था जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राजगीरों के लिए तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राजगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखद हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा दान व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को सपने में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने सपने में कही बात दरबार से सुनाई और कहा कि मेरा दान व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची। तब राजकुमार सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। लौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत रख रही थी जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो और पूछने पर स्त्रियों ने हालषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हालषष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद ने देवकी से हालषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी, एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती। रेवती की कोई संतान ना थी जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देख सौतिया डांस से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ, तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता ने अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हालषष्ठी माता का व्रत का दिन है, तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हालषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और कहा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग जहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर जहाँ फेंक दिया, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर ना लगी कि वह लगी कि जय सब माता हालषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनर्जीवित देखता और माता हालषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हालषष्ठी व्रत करने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।